नमस्कार एक्वेरियस, मैं सुरेश पॉट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस इंडिटर पर। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है इसलिए आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 10 जून से 17 जून के लिए वैलिड होगी, यानी कि ये वीकली रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान ना करें। तो चलिए देख लेते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस के लोग हैं जो नो कॉन्ट्रैक्ट में है या सेपरेशन में है या ब्रेकअप हो चुका है या किसी भी कारण से वो अपने पर्सन उनकी अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं। तो वो उनके पर्सन जिनकी वजह से एक्वेरियस का सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है, वो क्या फील कर रहे हैं, यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए राइट नाउ। द डेविल, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन सोच रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर कंट्रोल चल रहा है, तो जो उनमें एडिक्शन है, चाहे वो जुआ खेलने की है, ताश खेलने की है, ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, या ज़्यादा खाने की है, ज़्यादा पीने की है, कोई भी चीज़, कोई भी लत जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, जो इस रिश्ते को परेशान कर रही है, बाधाएं दे रही है, या ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जहां आपको नेगेटिव बनाया जा रहा है, तो उन नेगेटिव लोगों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर कोई तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो उससे सोच उससे बातें करने की ज़रूरत है, उसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है और सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप इस रिश्ते से, इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलते, जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इसी तरह से इस रिश्ते में बाधाएं क्रिएट करते रहे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते रहे, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह करते रहे, जो आपकी एडिक्शन है उनको फॉलो करते रहे, तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर आप इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी एक दूसरे के प्रति लगाव है, और शायद अब भी इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस हैं, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की तरफ से अब भी इस रिश्ते में प्यार है। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इन भावनाओं को वो एक्सप्रेस करें, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इन भावनाओं को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बांटेंगे, तो इस ये रिश्ते में जो खुशी जो प्यार है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यूनिवर्स भी ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो ज़्यादा बटके नहीं इधर उधर, और समय रहते इसमें ये डिसीज़न लें, डिसीज़न मेकिंग का भी कार्ड है, तो समय रहते इसमें डिसीज़न लें, जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके हित में होगा, आप सोच समझ कर इसमें डिसीज़न लीजिएगा और तभी इसमें आगे बढ़िएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये रिश्ता आगे जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में अब भी इमोशंस हैं, अब भी प्यार है, तो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो एडिक्शंस हैं, जो इस रिश्ते को दुख दे रही हैं, परेशानियाँ दे रही हैं, उन सबको ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी जहरीला हो सकता है। उनको छोड़कर ही आप आगे बढ़िए। जो भी आप में एडिक्शन है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, चाहे आपको झूठ बोलने की आदत है, ज़्यादा बोलने की आदत है, नेगेटिव लोगों में बैठने की आदत है, ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, ताश खेलने की है, गैम्बलिंग की है, जुआ खेलने की, जो भी गंदी आदतें हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ कर वो सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि वो जो एक्वेरियस हैं उनसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स,
द हाई प्रिस्टेस एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले वो महसूस कर रहे हैं कि अभी ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से गुजरा है, तो इस रिश्ते से वो फिलहाल के लिए मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, लोग उनकी इज्जत करें, उनकी तारीफ करें, उनके इमोशंस को समझें, उनकी बातों को समझें। जब तक सही समय सही सिचुएशन नहीं आ जाती और तो वहाँ से वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं शायद, या फिर अपनी बातें एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपनी भावनाओं को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, ये रिश्ता सही नहीं हो जाता, इस रिश्ते में जो बाधाएं परेशानियां आ रही हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो चुप रहें, खामोश रहें, विस्डम गेन करें, नॉलेज गेन करें, पढ़ाई करते रहें, समझदारी के साथ रहें और चुप रहें, खामोश रहें, जो भी सीक्रेट्स जानते हैं, जो भी बातें जानते हैं, अभी वो इसमें कोई एक्शन ना ले, किसी के सामने शेयर ना करें, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। तो इन सही समय आने का, सही वक्त आने का वो सोच रहे हैं कि अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। और तो इसलिए वो सबसे पहले इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जब तक इन चीज़ों को सीक्रेटिव रखा जाए, जब तक इसमें दोबारा से एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर लेते बातों को और एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग लेते, एक बिगनिंग नहीं हो जाती। तो क्योंकि ये वो यहाँ इसलिए मूव ऑन करना चाहते हैं कि जब तक वो चीज़ें उनको परेशान करती रहेंगी, हर्ट करती रहेंगी, यहाँ पर अगर वो रहेंगे तो वही बातें उनको बार बार याद आती रहेंगी, तो इसलिए उन चीज़ों को भुलाने के लिए वो यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और पुराने बैगेज छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, जिस चीज़ से इस रिलेशन में बाधाएँ, परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही थी। तो वो क्या एक्शन लेंगे, चलिए देख लेते हैं कि एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उनको वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बिल्कुल आमने सामने बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, तो अगर इस रिश्ते में आगे जाकर कोई बाधाएं, कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, और तो इसलिए वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को तलवार की से काट कर फेंक देना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और नई बातों को सोचना चाहिए, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी चाहिए, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी चाहिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके लाइफ में क्या करना है, रिश्ते को कैसे चलाना है, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, इसमें दिमाग में क्लियरिटी के साथ ऑनेस्ट आगे बढ़ें, सोच समझ कर दिमाग से काम लें। और क्योंकि उन्हें लगता है कि इसलिए वो इसमें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अब भी अट्रैक्शन है। वो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, उनको लगता है कि एक्वेरियस हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, वो तो वो इस रिश्ते को अब भी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो एक ऑनेस्टी और ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ एक दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेकर इस रिश्ते को एक नया अंजाम, नया मोड़ देने की तैयारी में है। तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो मन मुटाव आ रहे हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को, उस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो डिप्रेशन दे रहा है, जो बाधाएं क्रिएट कर रहा है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो वाद विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपस में बातें करके उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो ये रिश्ता है, उस रिश्ते को बोझ ना समझे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटें, परिवार के साथ, फैमिली के साथ बांटें इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठाएंगे तो आपको बैक पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपके लाइफ पर काफ़ी बर्डन बोझ पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार के, फैमिली के साथ बांटना है, अकेले इस बोझ को नहीं उठाना है। जो आप इस रिश्ते का बोझ अकेले उठाना चाहते हैं, उन जिम्मेदारियों को शेयर कीजिए और इसको ड्रॉप मत कीजिए, जिम्मेदारियों को समझिए। और सबसे पहले और चीज़ों के पचड़े में आप मत पड़िएगा, जब तक ये वाद विवाद झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाते, और जब तक आप तो अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, इन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट नहीं लेते, तब तक आपको अपने आप को, खुद को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना दुनिया, अपना करियर, अपने लोग, तो नए नए ऑप्शन देखिए, नए ऑप्शन ढूंढिए, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, अपने आप में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। तब जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप लाइफ में खुशी महसूस कर सकेंगे, रेस्पॉन्स फ्रूटफुल हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपको इन पचड़ों में ना घुस के, इन चीज़ों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, इस लड़ाई झगड़े, इस ड्रामे को एक दूसरे के साथ मिलकर ख़त्म कीजिए। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आप जब इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, इन जिम्मेवारियों से बाहर आ जाते हैं और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं, वाद विवाद को ख़त्म कर लेते हैं, तभी उन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। अभी इस रिलेशनशिप के बारे में आपको नहीं सोचना है, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपनी जॉब। तो अपने आप को सबसे पहले स्टेबल बनाइए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए। जब ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो तभी आगे के लिए सोचिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में सहयोग मिलता है। तो प्लीज़ 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 एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा, पॉजिटिव सा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।